वाव फक, मुझे लगा था निकल गई है वो, बट यहाँ पे वो फिश है गाइस, ये वो फिश है ग्रीन क्रोमाइड। हाय गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज मैं एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम के पास, जो कि एक बहुत ही एक्टिव रीजन है एक्वेटिक लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में हमें बहुत सारे बिजार एंड जायंट क्रिएचर्स देखने मिल सकते हैं। स्ट्रीम के इतने छोटे पैच में भी हमें 8 से 9 यूनिक स्पीसीज देखने मिल सकती है, जिसमें ना सिर्फ फिशेज बट क्रस्टेशंस, इंसेक्ट्स, इनफैक्ट रेप्टाइल्स भी मिल सकते हैं। आज के मेरे वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ किसी बड़े फिश को ढूंढने के लिए। So if you guys are ready, then let's begin today's adventure. Okay, तो यहाँ पे एक फ्रेश वाटर श्रिम्प है, जो कि मुझे लग रही है कि कोई रेड श्रिम्प है, बिल्कुल यहाँ पे ये वाली। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रेड श्रिम्प्स हैं एंड यहाँ पे और एक श्रिम्प है जो कि एक रेनबो श्रिम्प है या तो किसी प्रॉन का बच्चा है। तो ये जो पैच है, इस पैच में बहुत सारे श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स देखने मिल सकते हैं, बट आज हम कुछ बड़ा ढूंढ रहे हैं तो हम उसी के लिए ट्राई करेंगे। एंड ये जो पैच है यहाँ पे, जो मिट्टी है, ये बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे कोई रॉक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि हमें कोई बड़ा मछली मिले। ओके, एंड अब मुझे जो नेक्स्ट मिला है वो मिला है ये छोटा स्टिंग बग। ये छोटा जरूर होगा बट ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी एक बाइट मेरे हाथ से खून निकाल सकती है, ये इतने पावरफुल होते हैं। ये इसका छोटा फॉर्म है, इससे बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं ये। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉन है एंड ये बोलना तो बिगेस्ट साइज है जो मैंने आज तक देखी है। वाओ, प्रॉन्स का एक ही प्रॉब्लम है, पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे बहुत हल्की हल्की दिख रही है एंड मैं प्रिटी श्योर कि वो फिश ही है, ये नहीं पता चल रहा है कौन सी फिश है, वो भी हो सकती है। अंदर जाके एक बार चेक कर लेते हैं, संभाल के आना, ये पोशन बहुत स्लिपरी है। मुझे डर ये कि वो फिश भाग ना जाए। ओके, तो गाइस फाइनली वो फिश ट्रैक हो गई है एंड वो इस पत्थर के नीचे है एंड काफ़ी बड़ी फिश है वो। मुझे ये नहीं समझ रहा कि वो कौन सी फिश है। अगर वो बाहर आ जाए थोड़ी, ओके गाइस ये फिश है वो, बस यहाँ पे। मैं थोड़ा उसे और बाहर लेके फिर आईडी कर लेता उससे। ओ, ये ग्रीन क्रोमाइड है, ये ग्रीन क्रोमाइड फिश है। ओके, ये ग्रीन क्रोमाइड फिश है। अब सबसे डिफिकल्ट काम ये है कि ऐसे नेट से इसे पकड़ना। वो
बैठे वहीं पे लकीली। इन ये फिशेस बहुत स्लिपरी रहती है, नेट बराबर है क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा, थोड़ा और नीचे आएगा मैं। लाइट थोड़ी ऐसे दे दो, 90 डिग्री पे मुझे दिख नहीं रहा, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरा। निकल गई, किसने देखा कहाँ गई, पीछे गई। ओके, ये चैलेंजेस होते हैं एक फिश को पकड़ने के। अरे ऐसे वक्त नहीं, अंदर ही अंदर ही अंदर ही। ओके 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 ओके, मुझे लगा था निकल गई है गाइस। राम्स, ओ वाव, फक, मुझे लगा था निकल गई है वो, बट यहाँ पे वो फिश है गाइस। ये वो फिश है, ग्रीन क्रोमाइड, एंड आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी है। ये जब भी स्प्लैश कर रही है, बॉडी को टैपर कर रही है, तो मेरे मुंह पे स्प्लैशेस आ रहे हैं। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट फिशेस होती है ये, एंड पानी की मोमेंट्स भी कहते हैं इन्हें, फ्रेश वाटर्स की। ओके, तो मेरे पास एक बॉक्स है जो मैं लेके आया था इन्हें पकड़ने के लिए, तो अभी मैं इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एंड मैं इसे लेके नहीं जा रहा कहीं पे, ना इसका मैं फ़िशिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी के लिए इसे पकड़ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड जैसे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है, मैं वैसे ही वापस से रिलीज़ कर देने वाला हूँ। नाइस वन, चलिए जाते हैं बॉक्स की तरफ। ओके गाइस, तो पहले अक्टूबर की हीट बहुत फेमस थी मुंबई में, एंड अभी नवंबर की बारिश भी फेमस हो जाएगी शायद। एंड बारिश चालू हो गई है, जैसे मैंने वो फिश को पकड़ा वैसे ही बारिश चालू हो गई। लकीली उस वक्त बारिश नहीं हुई, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो मुझे शायद वो फिश नहीं मिलती। बट अभी मुझे थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, एंड सबसे पहले मुझे अपने गियर्स को सिक्योर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ रेनकोट या कुछ अम्ब्रेला नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज बारिश होने वाली है। तो हम देखते हैं, हम थोड़ा टाइम रुक जाते हैं जब तक ये बारिश ख़त्म होती है, एंड उसके बाद हम अपना सर्च कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी फाइनली बारिश रुक चुकी है, एंड ये जो नवंबर की बारिश है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बारिश है, क्योंकि ये पूरी तरह से किसी चीज़ को हेल्प नहीं करती है, सिर्फ अब तो वो भिगाने के लिए आती है, एंड वही हुआ, मेरा पूरा किट भीग चुका है। बट अब रुक चुकी है बारिश, तो अब टाइम है कि मैं आपको इस मछली के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहली बात जो इस मछली के बारे में बताऊँगा वो ये है कि ये क्रोमाइड फैमिली की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फिश है। इनकी साइज़ बहुत बड़ी हो सकती है, ये जो अभी इसकी साइज़ है ये उसकी मैक्स साइज़ है। तो अगर आप अभी देखोगे तो इसके टॉप पोर्शन पे यहाँ पे कुछ फिन जैसे आपको दिखेगा, उस फिन्स में स्पाइक्स होते हैं, एंड एवोल्यूशन के साथ ये स्पाइक्स क्रिएट हुए हैं। ये स्पाइक्स उन्हें मल्टीपल चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये स्पाइक्स हेल्प करते हैं उन्हें उनके प्रेडेटर से बचने के लिए, उसी के साथ साथ जो वाटर का फ्लो होता है उसे कट करने के लिए भी ये स्पाइक्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो क्रोमाइड है, जब मैं इसे पकड़ रहा था तो मेरे हाथ से क्रोमाइड स्लिप हो रही थी बार बार। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो फिशेज़ होते हैं उनके ऊपर एक स्लाइम की कोटिंग होती है, ये कोटिंग उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर, ये जो कोटिंग है इसका प्राइमरी यूज़ ये होता है कि ये इस फिश को बचा के रखे, ना कि ह्यूमन से या प्रेडेटर्स से, बट पैरासाइट्स एंड दूसरे डिजीज से भी। इनफैक्ट अगर एक फिश के बॉडी के ऊपर कोई वूंड आ जाता है तो उसे हील करने का काम भी उस स्लाइम का होता है। एंड ये स्लाइम का ऐसे होता क्या है कि अगर आप किसी फिश को पकड़ने जाओ तो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी, जो कि मेरे साथ हो रहा था जब मुझे पहली बार ये मिली। तो मुझे लगता है आज का हमारा एडवेंचर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एंड टाइम है कि मैं इस मछली को ही वापस उसके पानी में छोड़ दूँ। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। विद दैट सेड, thank you for watching this video. Long live nature. Bye.